नमस्कार, न्यूज वन क्लिक में आपका स्वागत है। मैं बरखा नागर। आइए आज जानते हैं शहर में क्या है खास। नगर निगम चुनाव को लेकर नगर में खासा उत्साह देखा गया। पोलिंग बूथों पर सुबह से लंबी ही कतारें लगी थी। आम मतदाताओं ने जागरूकता के साथ अपने मत का उपयोग किया। जिला कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येन कुमार शुक्ला ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में खासा उत्साह देखा गया। शहर के सभी पोलिंग बूथों पर आम मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां लंबी कतारें देखी गई। मतदाताओं ने जागरूकता के साथ अपना मत का उपयोग किया। सुबह से ही सभी पोलिंग बूथों पर जिला कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने निरीक्षण कर मतदान करा रहे कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरी मतदान प्रक्रिया में 3 लेवल की व्यवस्थाएं लगाई हैं। बूथ जो हमारा मतदान केंद्र है उसमें संवेदनशील और सामान्य के जो मान से व्यवस्था लगी। सामान्य केंद्रों पर 2 पुलिसकर्मी और जो संवेदनशील है उसमें 3 पुलिसकर्मी लगाए गए। साथ ही साथ हमारी जो सेक्टर मोबाइल चल रही है जिनके कार्य क्षेत्र में लगभग 8 से 10 पोलिंग स्टेशन है लगभग। और इसके अलावा फिर तीसरा जो लेवल हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है CSPs और उसके ऊपर के सभी अधिकारी लगातार भ्रमण में चल रहे हैं। 568 पोलिंग स्टेशन में मतदान शांतिपूर्वक कर रहा है और शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए पुलिस के और प्रशासन के प्रति पर्याप्त प्रबंध लगाए गए हैं। कुल 1700 पुलिसकर्मी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपादित कर रहे हैं। देखिए, आज उज्जैन नगर निगम और बड़नगर नगर पंचायत में चुनाव है नगरीय निकाय के पहले चरण के तहत, और सभी पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। हमारी जो भी तैयारियां हैं, चाहे ट्रेनिंग से संबंधित हों, कानून व्यवस्था से संबंधित हों, सारी तैयारियां पूर्ण होकर यथावत पूरी तरीके से जारी हैं और उसी का परिणाम है कि शांतिपूर्वक मतदान हर जगह हो रहा है। मेरे द्वारा भी सपत्नी के यहाँ पर वोट डाला गया है और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि कृपया आज अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें, लेकिन शांति का परिचय अवश्य दें। हमारी हर जगह नज़र है, अगर कहीं पर भी कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की जरा से भी कोशिश करेगा तो बहुत सख्ती से उसे पेश आया जाए। बुजुर्ग रमेश चंद्र शर्मा, जिनके दोनों हाथ एक हादसे में कट गए थे, बुधवार सुबह उन्होंने मतदान कर एक आदर्श प्रस्तुत किया। कर्तव्य निभाने का जज्बा जब मनुष्य के भीतर हो तो कोई बाधा उसे नहीं रोकती। इसका उदाहरण है MPB के पूर्व कर्मचारी श्री रमेश चंद्र शर्मा, जिनके दोनों हाथ बिजली विभाग में कार्य करते हुए कट गए थे, जिसके बाद से ही वे जब भी मतदान करते हैं तो अपने पैरों का इस्तेमाल कर मतदान करते हैं। बुधवार को भी उन्होंने शहर के शासकीय घास मंडी विद्यालय में मतदान किया। ऐसे रखिएगा मैम, एक बार थोड़ा प्रॉपर लगा दीजिए मैम, एक बार लगा दीजिए प्रॉपर, ठीक है। दादा, कब से आप इस प्रकार से जो है वोटिंग कर रहे हैं? मैं साहब 4-5 बार वोटिंग कर चुका हूँ, लेफ्ट पाँव के अंगूठे से। हर बार जब भी वोट का समय आता पाँव से ही वोट डालता हूँ। बस जो देश के हित में काम करे, जनता के हित में काम करे, ऐसा प्रत्याशी चुनो, बस धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद देवी राम शर्मा।
कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र 68 साल से। नगर निगम चुनाव में बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने सपत्नीक मतदान किया। वहीं भाजपा महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल सब परिवार मतदान करने पहुंचे। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार कार्यकर्ताओं के साथ मतदान के लिए पहुंचे। बुधवार सुबह जल्दी ही भाजपा एवं कांग्रेस नेता अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचे और मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल संत नगर स्थित पोलिंग बूथ पर सपरिवार वोट डालने पहुंचे तथा कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमा ने देव दर्शन उपरांत कार्यकर्ताओं के साथ दशहरा मैदान स्थित पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी सपत्नीक मतदान किया। मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित होने के बावजूद आज शहर में हुए वोटिंग के दौरान एक राजनीतिक दल को वोट देने के वीडियो वायरल हुए हैं। कलेक्टर ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मतदान केंद्र में मतदाताओं को मोबाइल फोन के साथ जाना प्रतिबंधित किया गया था और इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस मोबाइल वैन से अनाउंस भी करवाया था। इसके बावजूद आज मतदान के दौरान वोट देते हुए ईवीएम के साथ वीडियो वायरल हुए हैं, जिसके संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के आसपास मतदान दोपहर में 1 बजे तक हो चुका था और मतदान तीव्रता से जारी है, इसमें गति आने की भी संभावना है। बड़नगर में लगभग 56% के आसपास मतदान हुआ है। सर, उज्जैन में जो है सोशल मीडिया पर कई लोगों ने फोटो और वीडियो वायरल कर दिए हैं, तो मोबाइल प्रतिबंध होने के बाद देखिए दो घटनाएं ऐसी हुई हैं आज, इसमें एक वीडियो और एक फोटो इस प्रकार का आया है। दोनों घटनाएं हमारे द्वारा संज्ञान में ले ली गई हैं, दोनों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी ऐसे कोई बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ हुआ हो ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत सख्ती से इस पर प्रतिबंध लगाया है, न केवल निर्वाचक एजेंट बल्कि जो जा रहे हैं मतदाता उनके भी मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने बाहर करवाए हैं। जो दो घटनाएं हुई हैं वो एक तरीके से फॉल्स रूप है, हम लोग उन पर कार्रवाई करें। सर, एक दो जगह फर्जी वोटिंग होने की बात सामने, देखिए फर्जी वोटिंग जैसा कोई भी विषय नहीं है। ये जरूर है कि कुछ इक्का दुक्का मतदान केंद्रों के ऊपर कुछ गलती से जब मतदाता पहुंचे हैं तो ऐसा पता चला कि वहाँ पे उनके जो नाम के आगे टिक लगा हुआ था, और निर्वाचन आयोग के संबंध में एक विहित प्रक्रिया होती है जिसमें उनके टेंडर वोट जो है वो डलवा लिए जाते हैं, उनके टेंडर वोट डलवा लिए। सर, कुछ जगहों पर जो है विवाद की सूचनाएं हैं, उसको लेकर किस प्रकार की? देखिए विवाद की सूचनाएं अगर हम लोग देखें कि कोई ऐसा बड़ा विवाद कहीं पर हुआ हो तो ऐसी चीज़ कहीं पर भी नहीं हुई है। कहीं पर ज़रूर किसी की उपस्थिति को लेके या फिर जो बाहर बूथ लगे हुए हैं उनके ऊपर झंडा बैनर को लेके कुछ आपत्तियाँ उठाई गई थी, हम लोगों के द्वारा तत्काल उसको पहुँच कर उनको समझाने के बाद में सारी स्थितियाँ कंट्रोल कर ली गई। कहीं पर फोर्स यूज़ करने की आवश्यकता पड़ी हो या कहीं पर उच्च अधिकारियों को जाके स्थिति संभालनी पड़ी हो ऐसी कहीं पर भी स्थिति नहीं बनी है, पूरा चुनाव शांतिपूर्वक। आज उज्जैन नगर निगम में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। सभी 568 जो हमारे पोलिंग बूथ थे सभी पर पोलिंग अब समाप्त हो गई है और लगभग 60% के आसपास अभी जो रिपोर्टिंग हमारी हुई है मतदान हुआ है। ये हो सकता है कि 1-2% इसमें भी और बढ़ोतरी हुई, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी पूरी टीम के लगने से, पूरी पुलिस फोर्स के लगने से बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हुआ है। कहीं पर भी ना तो रिपोलिंग की स्थिति बनी है ना कहीं पे कानून व्यवस्था की स्थिति बनी है। तो मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को, सभी जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से बड़ी संख्या में आके मतदान किया, और अपनी टीम को भी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने मेहनत करके मतदान को सफल बनाया। आज हुए नगर निगम चुनाव में लोकतंत्र के महायज्ञ में वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों ने अपनी मतदान रूपी संविधा दी। आइए डालते हैं उन पर एक नजर।
अग्रवाल समाज उज्जैन की 4 दिवसीय श्री अग्रोहा धाम यात्रा दिनांक 8 जुलाई को उज्जैन से रवाना होगी। यात्रा के संयोजक भगवान दास एरन ने बताया कि यात्रा में उज्जैन से लगभग 70 अग्रबंधु भाग लेंगे। मिशन साइकिल सिटी उज्जैन के तहत संस्था सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल द्वारा चुनाव के दौरान मतदान के प्रति जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाल कर साइकिल से मतदान करने पहुँचे युवा। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे न्यूज़ 1 क्लिक।